अब ये जो साउंड आ रहा है ये बिना डीबी किलर के आ रहा है, और ये साउंड बढ़िया रहेगा जुलूस मोहम्मदी के लिए। सो ये भी इंस्टॉल हो गई है और जुलूस मोहम्मदी के लिए हमारी बाइक पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। खैर, जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत जल्द आने वाला है और उस मैंने सोचा क्यों ना जुलूस मोहम्मदी के लिए अपनी बाइक को मैं जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लूँ। सो उसी के लिए मैं बाइक की सर्विस के लिए आ गया हूँ और बाइक की जो सर्विस है वो शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी बाइक भी, बहुत टाइम से उसकी सर्विस नहीं कराई है। और ये हमारा बाइक का कैन फिल्टर, ये वॉश हो चुका है। और बाइक में मोविलेल भी बहुत कम निकला है, आप देख सकते हैं। ये हमारा मोविलेल आ गया है बाइक के लिए और ये अब इसमें डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो मेरी बाइक का आप साउंड सुन रहे हैं ये ओरिजिनल साउंड है, और मैं अब इसमें से डीबी कलर निकलवा दूंगा ताकि जुलूस मोहम्मदी में मेरी बाइक का साउंड एकदम ओपी आए। सो ये अब जो है साइलेंसर निकल चुका है, ये डीबी कलर निकल गया है। सो गाइस, ये जो आप साउंड है ये विदाउट एग्जॉस्ट के आप सुन सकते हैं, बैंड पाइप का साउंड बहुत ही ख़तरनाक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाउड हो रहा है, इससे तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बट चलो मैं अब इसमें एग्जॉस्ट फिट करवा देता हूँ, देखते हैं बिना डीबी किलर के बाइक का साउंड कैसा आता है। सो अब ये जो साउंड आ रहा है ये बिना डीबी किलर के आ रहा है, और ये साउंड बढ़िया रहेगा जुलूस मोहम्मदी के लिए। और ये हमारा डीबी किलर है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी बाइक जो है वॉश होकर आ गई है। सो गाइस, मैं इसी के साथ भाई की शॉप पर आ गया हूँ, रॉयल रेडियम कलेक्शन पर। यहाँ पे मैं लाइट की मॉडिफिकेशन कराऊंगा बाइक की बैक साइड पर, और नीचे की साइड पर मैं लाइट लगवाऊंगा। ये रही वो लाइट जिसको मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। सो ये भी इंस्टॉल हो गई है और जुलूस मोहम्मदी के लिए हमारी बाइक पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई है। और गाइस, जो मैंने ड्यूक में मॉडिफिकेशन कराया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ड्यूक में जो है लाइट का मॉडिफिकेशन कराया है, देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि हल्द्वानी में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। सो गाइस, इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हल्द्वानी का जुलूस मोहम्मदी का पूरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर आप पिछले साल का ब्लॉग देखना चाहते हैं जुलूस मोहम्मदी का तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जुलूस निकला था बारिश होने के बावजूद भी, और आप देख सकते हैं ये स्टॉल पर झंडे लगा रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे झंडे बेच रहे हैं यहाँ पर। और ये गली में स्टॉलों पर टोपियाँ बिक रही हैं और झंडे देखिए आप लगे हुए हैं। ये लाइटें लगा रखी हैं शॉप पर, बहुत प्यारी लग रही हैं लाइटें, और ये झालरें लगा रखी हैं ताकि आप अपने घरों को अच्छे से सजा सकें। तो आप देख सकते हैं हर स्टॉल पर लाइटें बहुत प्यारी प्यारी बिक रही हैं ताकि आप अपने घरों को अच्छे से सजा सकें। और ये देखिए आप, तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय।